राम राम भाई लोग। तो आज अपन लोग खेलने वाले ग्रैनी मिस्टीरियस क्रिस्टल यार भाई लोग, जिसको यार भाई लोग अपने एक यूट्यूबर भाई ने बनाया है जिनका नाम है ठग एंड जिनेक करके भाई लोग, ठग एंड जिनेक एनिमेशन 66 करके उनका नेम है भाई लोग। तो यार भाई उनने ये गेम को क्रिएट किया है। तो भाई आप लोग को पता होगा ग्रैनी मतलब मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है हॉरर गेम की। ग्रैनी हुआ, इविल नेल हुआ भाई, मतलब समझो ना भाई लोग, देखो हॉरर गेम से मेरे को डर तो नहीं लगता, बट क्या है भाई लोग टाइम बहुत लगता है स्किप करने में। गेम को समझना पड़ता है, गेम का एक एक रास्ता समझना पड़ता है, एक एक कुलिया समझनी पड़ती, जब जाके अपन लोग हॉरर गेम में स्किप कर पाते। क्योंकि आपको पता अपन लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, अपन लोग ऑलरेडी मेन चैनल को भी हैंडल करना पड़ता है, तो उसके कारण अपन लोग को टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि भाई कोई भी हॉरर गेम में 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं भाई, मतलब उसको पूरा समझ के उसमें स्किप करने के लिए, ठीक है, मतलब इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो चलो यार गाइस, एक जो गेम है इसका स्किप थोड़ा छोटा है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन लोग को एक की चाहिए, फिर उस की से एक गेट खुलेगा और उस गेट के अंदर अपन लोग को तस्वीर मिलेगी। तो अपन लोग को फिर एक कटर चाहिए जो तस्वीर को काटने के लिए। तो फिर अपन लोग के बाद जैसे अपन लोग उस तस्वीर को काटेंगे अपन लोग को एक और की मिल जाएगी। फिर अपन लोग को ओ की से जाके सीधा नीचे बेसमेंट में जाके अपन लोग को क्या चाहिए वालों कर गए, हाँ उस की से अपन लोग एक लॉक खोलेंगे जिसमें से अपन लोग को एक सेफ लॉक मिलेगा, सेफ कोड बोल सकते हो। फिर अपन लोग को उस कोड को जाके अपन लोग को गेट में डालना है। फिर अपन लोग जैसे उस कोड को गेट में डालेंगे फिर अपन लोग को एक और की मिलेगी। फिर अपन लोग को उस की को लेकर नीचे सबसे नीचे बेसमेंट में जाके अपन लोग को वहाँ से स्केप हो जाता है। बट यार इसमें इतना ईजी नहीं क्योंकि इसमें ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों होने वाले हैं। तो चलो देखते भाई अपन लोग स्केप कर पाते कि नहीं। भाई साहब यार गाइस मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाला हूँ वालों कर गाइस स्केप करने के लिए वालों कर गाइस ट्राई। ये देखो ए वाला गेट के लिए अपन लोग को की चाहिए। तो भाई ये बॉय गेट है, ये सेकंड फ्लोर पे वालों कर गाइस, नॉर्मल मोड खेल रहा हूँ मैं यार वालों कर गाइस। तो ये जो फ्लोर है ना सेकंड फ्लोर है, अपन लोग आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर के उसी गेट को अपन लोग को खोलना है जो मैंने आप लोग को दिखाया। तो चलो भाई मैं सोच रहा था ग्रैनी से बचने की, मेरे को एक ईंट मिल पत्थर मिल गया था उसको मारने के लिए। ये देखो तो चलो भाई इसको उठा के अपन लोग अभी निकलने वाले यार गाइस ग्रैनी को मारने के लिए। तो चलो ये रही ईंट, जो पत्थर है इसको मैं उठा लेता हूँ और सीधा इसको लेके जाऊंगा मैं ग्रैनी के पास यार भालू कर गाइस। तो चलो फटक से अपन लोग चलते ग्रैनी को मारने के लिए। तो चलो फाइनली यार पत्थर मिल गया, मतलब इससे ग्रैनी मरती नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते भालू कर गाइस, ये जो ईंट दिखती है। तो चलो यार फटक से चलते भालू कर गाइस। और ये रही भाई ग्रैनी कहाँ गई, अच्छा यहीं पे तो थी, अच्छा ये रही ग्रैनी। तो भाई ग्रैनी तो अपन लोग, ग्रैनी ने तो अपन लोग को नहीं देखा, तो मैं इसको छोड़ के सीधा बेसमेंट में आ जाता हूँ। बट भाई ग्रैनी अपना पीछा करते करते बेसमेंट में भी आ जाती। मैंने सोचा भाई ग्रैनी को मैं नहीं मारता, मैं इसको छोड़ देता हूँ, बट भाई ग्रैनी अपने पीछे पड़ गई, अब लेकिन मेरे को मारना पड़ेगा। तो चलो अपन लोग देखते इसको मारना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि वालों को अगर जरूरी नहीं होगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा। क्योंकि अब वालों को अपन लोग को आगे सबसे पहले एक की चाहिए, आप लोग को मैंने जो गेट दिखाया था ना उस गेट की चाहिए। तो भाई उस गेट की मेरे को बेसमेंट में ही मिलने वाली। तो चलो यार गाइस यहाँ पे देख लेते उस गेट की कहाँ पे मिलेगी, ये क्या वालों कर गए यहाँ पे तो भी की मिल ही नहीं रही भाई। तो भाई उस गेट की मिल, अच्छा यहाँ पे देखो एक सेकंड, एक कटर है, ये वाला कटर नहीं चाहिए, दूसरा कटर है, फाइनली की तो मिल गई। एक जो मेन कटर है ना वो भाई उसके पास है, ग्रैंड पा के पास। तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, मतलब ग्रैंड पा अभी भी सेकंड फ्लोर में, हाँ सेकंड फ्लोर में सो रहा है। तो अपन लोग को उसको उठाना पड़ेगा और फिर अपन लोग को नेल कटर मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे वो सो रहा है उसी के साइड में एक टेबल पड़ा है, उसी टेबल में नेल कटर पड़ा है। तो चलो भाई ये ग्रैनी लेकिन मेरा पीछा नहीं छूट रही। अगर आप लोग को पता हो मैंने जैसे मैं बेसमेंट में एंट्री ली थी तब भी ये मेरा पीछा कर रही थी, तो फिर पीछा करने लगी। तो मेरे को जल्दी से इसको चकमा दे के सीधा ऊपर जाना पड़ेगा और अपन लोग को सेकंड फ्लोर का सबसे पहले गेट खोलना पड़ेगा। गेट खोलने के बाद अपन लोग को चाहिए नेल कटर, वो कटर चाहिए जिससे अपन लोग अगर उस तस्वीर को काट सकते हैं। देखो ग्रैंडपा ए सो रहा और उसी के लेफ्ट में देखो एक टेबल रखी, टेबल पे कटर पड़ा। तो सबसे पहले मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ और भाई सेकंड फ्लोर पे वो देखो, अब भाई यहीं पे सीन क्या होता है, मैं वो वाला गेट भूल जाता हूँ। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब गेम खेला था ना जब वो वाला मैं गेट भूल जाता हूँ, मतलब हॉरर गेम में ना भाई एक एक मतलब गेट से लेके हर चीज़ को समझना पड़ता है, पूरा हाउस को समझना पड़ता है। तो फॉलो करके उसके कारण मैं भूल जाता हूँ, मैं अपना स्टार्टिंग में जहाँ से अपन लोग की स्टार्टिंग हुई थी मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। फिर मेरे को बाद में आ जाता है कि मैं सेकंड फ्लोर पर उस गेट को देखा था वालों करके, जब मैं गेम खेला था जब मेरे को याद नहीं था। तो चलो यार गाइस अभी अपन लोग चलते सेकंड फ्लोर पर, भाई उस गेट को मतलब खोल लेते वालों करके। और अपन लोग को जो थर्ड मतलब लास्ट की मिलने वाली ना वो लेकिन अपन लोग को थर्ड फ्लोर पर मिलेगी। यहाँ पे देखो अगर सामने देखो लेफ्ट कॉर्नर पर देखो ग्रैनी की तस्वीर दिख रही ना, तो वो जो लास्ट की है जो जिससे स्किप होता नहीं, उससे एक पहले वाली की अपन लोग को उसी फ्लोर पर मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पे देखो एक पेंटिंग दिख रही ना अपन लोग, आप लोग देखो यहाँ पे पेंटिंग दिख रही है राइट में, उस पेंटिंग को अपन लोग को
काटना या तोड़ना है, जो भी बोल सकते हैं इस पेंटिंग को। तो अपन लोग को सबसे पहले इसके लिए चाहिए वो कटर, जिससे अपन लोग काट सकते हैं। वो कौन सा कटर है, कैसा कटर है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो भाई मेरे को सबसे पहले ग्रैंड पा को जगाना पड़ेगा, मतलब वो सो रहा है उसको उठाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से चलते और ग्रैंड पा को उठा देते। तो भाई ये रहा ग्रैंड पा, ये तो सो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा वाला सीन होने वाला है। अब ग्रैंड पा भी उठ गया और ग्रैनी भी, भाई अब मेरा बहुत ज़्यादा गंदा वाला मैं फंस गया। ग्रैनी भी पीछे पड़ गई, ग्रैंड पा भी पड़ गया भाई। अब तो मेरे को जल्दी से बचना पड़ेगा इन दोनों से। तो भाई मेरे को एक सीक्रेट रास्ता अपनाना पड़ेगा, यहाँ से मैं इन लोगों को लाता हूँ और मैं यहाँ से नीचे से निकल जाऊँगा। तो आ जाओ तुम दोनों आ जाओ। तो फाइनली ग्रैनी और ग्रैंड पा आ चुके, ये लोग मतलब आपस में मार लेते, मतलब लड़के मर जाते, एक मर जाता बट मर ही नहीं रहे। तो चलो अपन लोग यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता है यहाँ पे, देखो अरे यहाँ से मैं सीधा आ गया और मेरे को जल्दी से वो कटर उठा के सीधा यहाँ से निकलना है, क्योंकि भाई ग्रैनी और ग्रैंड पा मेरे को पता है पीछे पड़ने वाले। तो मैं जल्दी से इस कटर को उठाता हूँ। चलो फाइनली मैंने इस कटर को उठा लिया, अभी मेरे को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा भालू घर का। तो फाइनली यार गाइस अपन लोग अपने सेकंड फ्लोर पे आ चुके और अपन लोग किस वाली पेंटिंग को काट रहे हैं। तो फाइनली यार गाइस इस पेंटिंग को अपन लोग ने काट दिया, तोड़ दिया, जो भी आप लोग बोल सकते हो। तो अभी अपन लोग को यार गाइस एक की मिलेगी, जैसा कि मैंने बोला था जो की है, जो अपन लोग की लास्ट सेकंड की है, वो सबसे थर्ड फ्लोर पे मिलने वाली, मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मिलने वाली। तो चलो यार फाइनली यार सबसे पहले अपन लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और यहाँ पे देखो इसी पेंटिंग के ऊपर मैंने बोला था कि अपन लोग को इसी पेंटिंग के ऊपर एक की मिलेगी। तो फाइनली यार गाइस अब अपन लोग को एक लास्ट की और चाहिए, इसकी से अपन लोग को एक सेफ। ओ एक सेकंड, एक ग्रैनी तो भाई कसम से भाई तो मेरी पीछे ही पड़ जाती भाई, ये ग्रैनी तो हर कहीं घूम रही है, कसम से दिमाग खराब कर दिया। तो फाइनली यार गाइस अपन लोग ग्रैनी से अभी बच गए, अपन लोग चलते सीधा फॉलो करके ऐसे नीचे। तो जैसे कि मैं बोल रहा था इसकी से अपन लोग को एक सेफ लॉक मिलेगा, तो अपन लोग को उस लॉक को खोलना पड़ेगा, फिर अपन लोग को एक सेफ कोड मिलेगा फॉलो करके, उस कोड को अपन लोग को इस वाले गेट में डालना पड़ेगा। और फिर इस जैसे ही अपन लोग इस वाले गेट में डालते सीधा पूरा मतलब गेम एंडिंग में आ जाता, पूरा एक गेट खुलता, उस गेट के जैसे ही खुल वो वाला गेट जैसे ही खुलता फिर वहाँ पर सैंड्रीला आ जाती। ग्रैनी की बहन रहती क्या, बेटी रहती, कौन रहती भाई ग्रैनी की, मतलब ज़्यादा स्टोरी मेरे को पता नहीं है। फिर वो एक की देती अपन लोग को, मतलब की नहीं देखी, उसके हाथ में की रहती, तो भाई वो यहाँ पे की छोड़ के चली जाती। और ये लास्ट की है, मतलब एंडिंग की है, इसके नीचे एक और बेसमेंट है और इस बेसमेंट से इसकी पूता, मतलब आप लोग बोल सकते हो जहाँ से पानी वानी जाता है ना, वहाँ से अपन लोग स्किप करते। तो चलो भाई फाइनली इस कोड को ड्रॉप कर देते और अभी अपन लोग अगर चलते वो वाली की उठा के यहाँ से स्किप मारते। तो देखो अगर ये की छोड़ गई थी अभी सैंड्रीला, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो फाइनली अगर एक सेकंड उठ नहीं रही, तो फाइनली मैंने इसको उठा ली। अब देखो ये वाला जो गेट है ना, इसको अपन लोग को खोल के सबसे नीचे आ जाएंगे। और अब देखो फाइनली सबसे नीचे आ चुके और अब अपन लोग कैसे स्किप करना, और यहाँ पे ग्रैनी और सैंड्रीला दोनों रहती हैं, जहाँ तक ग्रैनी रहती है कि सैंड्रीला रहती है, कौन रहती है यहाँ पे देखो, ग्रैनी घूम रही है कि सैंड्रीला, जो भी घूम रही है वालों करके वो घूम रही है, मुंह में मतलब थोड़ा छाला है तो भाई बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा वॉइस इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो भाई ये तो घूम रही है, मेरे को अच्छा ये वाला गेट से स्किप करना है। तो फाइनली यार अपन लोग ने स्किप कर लिया, समझो वालों करके पूरा एंडिंग में आ चुके। तो यार यहाँ पे देख सकते हो, चलो फाइनली मैं टैप कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तो फाइनली मैंने टैप कर दिया वालों करके। सो यहाँ पे देख सकते हो एक सेकंड टैप नहीं हुआ लगता भालू घर का, मेरे को फिर से टैप करना पड़ेगा। और फाइनली यार अपन लोग ने टैप कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो अपन लोग का स्केप हो जाता है सक्सेसफुली भालू घर का। सब कैमरा एंगल जाएगा सीधा सैंड्रीला के पास, कौन है भाई वो ग्रैनी की सैंड्रीला, जो भी होगा उसके पास सीधा जाएगा अभी कैमरा एंगल। तो भालू घर का आज के लिए बस ते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वाले वीडियो थोड़ा सा पिछले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देने यार भालू, सभी लोग से दिल से रिक्वेस्ट है मिलते नेक्स्ट वीडियो में। और भाई कौन भाई सैंड्रीला ये ना कौन क्या है भालू घर का, ग्रैनी की बेटी है क्या, जो भी है वाले वगैरह का, ये बहुत डेंजरस लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार वाले।